नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक को लेकर के आपने, मुझे लगता है अभी तक तो न्यूज सुन ली होगी, जो इंडिया आरए रेटिंग की, आईएनडीआरए रेटिंग की तरफ से जो खबर आई है। और प्लस इसमें मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि क्या इस रेटिंग के बाद कुछ चीजें बहुत ज्यादा सच में चेंज हुई है, और क्या यस बैंक जो अभी करेंट प्राइसेस में है ये खरीदने लायक है। प्लस यस बैंक जो जिन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है वो कौन है, इस पे चर्चा करेंगे। और यस बैंक लॉन्ग टर्म में ही क्यों वेल्थ बना के दे सकता है, ना कि इन बैड न्यूज और गुड न्यूज के बाद से, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। बट प्लीज सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया अगर पहली बार आए, बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो ये दूसरों को भी रिकमेंड होगा। तो दोस्तों चलते सबसे पहले यस बैंक के शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए आज ये लगभग 1.37% ऊपर बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसने जो दोस्तों अपना जो एक 10 रुपए के आसपास का जो इसने सपोर्ट है ना, उसको बहुत ज्यादा इसने सम्मान दिया है, और वहां से अपमूव शुरू हुआ है दोस्तों। और यस बैंक के लिए दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इसमें ना ही बैड न्यूज में घबराना है कभी, और ना ही गुड न्यूज में खुश होना है कभी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों, इसका केवल एक चीज देखना है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, वो हमें देखना है। कोई न्यूज क्या आ रही है, क्या कह रहा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि यस बैंक के जो सबसे बुरे दिन थे वो तो दोस्तों गुजर चुके। क्यों गुजर चुके हैं? क्योंकि इसलिए गुजर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जो राणा कपूर ने जो पाप किया था उसका तो यस बैंक के जो शेयर होल्डर थे पुराने, उनको पश्चाताप करना पड़ा। और SBI के ओवरटेक लेने के बाद अब ये कभी डिफॉल्ट होने के चांसेस मुझे कम ही दिखते हैं। और जो प्रशांत जी हैं, जो इसके CEO हैं, वो एक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों इस कंपनी को फिर से ट्रैक में लाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों 5-10 रुपए के आसपास शेयर एक मस्ट बाय था, लेकिन हमेशा की तरह फॉर ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और 2 से 5 साल के कम से कम दोस्तों, 2 से 5 साल, 2 तो दोस्तों कम से कम है ये। और ज्यादा अगर मैं 2 कंजर्वेटिव के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 3 से 5 साल तो अगर आप रखेंगे तो वाकई आपको वेल्थ बना के देगा। और यस बैंक में वेल्थ बनाने मतलब मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 5 साल बाद भी मुझे ये शेयर 50 रुपए बहुत ज्यादा हुआ, तो ये 5 साल बाद बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 50 रुपए, 50 से 70 रुपए के आसपास जाएगा। इससे ज्यादा दोस्तों मुझे अभी नहीं दिख रहा ये, क्योंकि जो कोविड की मार है प्लस जो कंपटीशन है आज के समय में, क्रेड आप सुने होंगे, उन्होंने जो लाया है भारत, जो एक भारत पे भी एक ला रहा है दोस्तों, P2P लेंडिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपटीशन है जो इन बैंकों को फेस करनी है दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, कोई कुछ भी कहे लेकिन आने वाले टाइम में केवल और केवल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है दोस्तों, टफ और टफर होता जा रहा है दोस्तों। और यस बैंक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके मैनेजमेंट को, और मतलब कुछ ऐसा मेरिकल ही करना पड़ेगा कि ये कुछ बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, तब जाके शेयर प्राइस का भागेगा दोस्तों। वरना हर बार की तरह 18 से 20 रुपए लेके जाएगा दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा अच्छा होने के बाद फिर वहां से डाउनफॉल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और अभी जो इनकी AGM हो रही है दोस्तों, उससे खबर की कई लोगों का ये मानना है कि बोनसेस आएंगे, बोनस आने वाला है, और भी पता नहीं मतलब बहुत सारी चीजें। भाई कोई बोनस क्यों देगा मुझे, बोनस तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, तो ये मेरी पर्सनल राय, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट बोनस का तो कोई इशू नहीं होता। बाई बैक का भी मुझे नहीं लगता कोई इशू है, कईयों का कहना है बाई बैक हो सकता है, तो समझ में नहीं आ रहा क्यों ये सब चीजें आ रही है कि बाई बैक होगा, बोनस होगा, नहीं होगा कुछ। बस हमें ये चीज ध्यान रखना है कॉमेंट्री क्या आती है, ठीक है। यस भाई क्या कॉमेंट्री देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं आपको NSE की वेबसाइट में लेकर के जाऊं, आप देखिए इसकी क्वांटिटी ट्रेड कितनी हुई है, हुई है लोग 6.25 करोड़ के आसपास क्वांटिटी हुई है, और केवल 13.18% की डिलीवरी है दोस्तों, है ना। और यही नहीं समझ में आता दोस्तों, जब 15 रुपए ही रहता है, 18 रुपए रहता है, तब डिलीवरी उसकी जबरदस्त रहती है। अभी के समय डिलीवरी क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझ में आ रहा दोस्तों मुझे। भाई आपको 10-11 रुपए में शेयर क्यों खराब लगता है, ज्यादा ज्यादा यहां से कितना गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरा तो 5 रुपए दोस्तों। मैं ये आपको लग रहा होगा ये बेवकूफ आदमी है, 50% तो पैसा खाली हो गया, लेकिन मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, जब वो अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन इतना करे 2 से 3%, इससे ज्यादा नहीं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक ना अभी
हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले रहते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो का उतना ही इसमें इन्वेस्ट करें, जो उसे डूब जाए तो आपको खलल ना महसूस हो दोस्तों। बट फॉर मी, मैं तो गिरावट में खरीदता हूँ दोस्तों, हर एक गिरावट में। और मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी खुद की पर्सनल राइस में मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस बैंक में है दोस्तों, बट इतनी है कि खत्म भी हो जाएगा तो मुझे उतनी परवाह नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आप देखिए वॉल्यूम भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 6 करोड़, क्योंकि आप देखिए हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से तो आप देखेंगे कि 9 से पहले 9 करोड़ था, 9 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, मतलब ये कोई एवरेजली कम है दोस्तों, एवरेज से भी। इसीलिए वॉल्यूम भी उतना नहीं है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं दोस्तों। ये जो अप मूव है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, शेयर अभी भी वीक है, इस बात को समझिए, और डाउन साइड अभी भी खुले हुए हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं उस न्यूज की दोस्तों, आप देखिए न्यूज है, INDRA affirms Yes Bank's long-term issuer rating at BBB by stable. INDRA also affirmed bank's Basel III Tier 2 bond rating to INDBB- with stable outlook. दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है, ठीक है। मैं पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ना अब जो फंडामेंटल इस बैंक के वो दर्शा रही है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो फंड रेज हो, आपने सुना होगा फंड रेजिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जो फंड रेजिंग होगी ना दोस्तों, अब उसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी इस बैंक को। क्यों होगी कि अब उन्हें थोड़े कम इंटरेस्ट में भी ये अपने बॉन्ड रिलीज कर सकते हैं, कि पहले अगर ऐसी बैंक्स या कंपनियां जिनके रिटर्न, जिनके जो रेटिंग बहुत कम रहती है दोस्तों, नेगेटिव रहती है, उसके जब भी वो फंड रेज के लिए कोई प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत हाई रेटिंग रेट देना, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। हाई इंटरेस्ट माने 10% 11% का, ठीक है। और इसके क्या रैशनल है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसमें अगर हम गहन में जाएं तो इसमें रहेगा कि भाई यस बैंक्स डिपॉजिट इंक्रीज टू 1.63 trillion rupees इन Q1 फाइनेंशियल 2022, इट्स करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कासा दोस्तों इंक्रीज ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर इन Q1 फाइनेंशियल 2020, व्हाइल द रिटेल टर्म डिपॉजिट इंक्रीज अबाउट 40%। दोस्तों कासा में 50% ईयर ऑन ईयर इंक्रीजमेंट होना, डिपॉजिट इंक्रीजमेंट का 40% होना, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि ये बैंक अभी 7% इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों, इसीलिए ये है। मेन स्टोरी कब होगी, जब अपने इंटरेस्ट कम करेगा तब हमको ये देखना है कि भैया क्या क्या रहता है, कितने डिपॉजिट कम होते हैं, डिपॉजिटर कम होते हैं, और क्या किस तरह का सिनेरियो बनता है दोस्तों, ठीक है। आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द INDRA, अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द फ्रेंचाइज स्केल अलॉन्ग विद अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द रिटेल फ्रेंचाइज विद अ मोर ग्रैनुलर फंडिंग एंड एसेट मिक्स व्हाइल बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग बफर्स could lead to a positive rating action. बहुत मेहनत लगी दोस्तों प्रशांत जी की इसमें यहां तक लाने में इस बैंक को, आप मानिए बात को, जिस प्रकार का कांड किया गया था उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट लाना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो रिजल्ट आया है ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है। और ये इस यस बैंक इस करंट प्राइस, इस करंट मार्केट प्राइस में ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों, लेकिन हर बार की तरह कहूंगा पोर्टफोलियो एलोकेशन केवल 2-3%, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3-5 साल कम से कम, और हमें ऐसी न्यूज पे जो इस तरह की आती है प्लस क्वार्टरली रिजल्ट में नजर बनाए रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो मेरे यस बैंक में था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।